नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटरनल चैनल जीएम डेकोर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विनियर और लेमिनेट के बारे में बेसिक जानकारी। दोस्तों, जब भी हम फर्नीचर करा रहे होते हैं, फर्नीचर का स्ट्रक्चर बनने के बाद में या तो हमको उसके ऊपर लेमिनेट शीट लगाना रहता है या फिर विनियर शीट लगाना रहता है। किस जगह कौन सा प्रोडक्ट काम में लेना चाहिए, दोनों प्रोडक्ट की क्या क्या लिमिटेशन है और क्या क्या उनके फ़ायदे हैं, दोनों की कॉस्टिंग क्या क्या होती है, ये सारी जानकारी इस कंपैरिजन करते हुए हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए पूरा वीडियो हम देखते हैं। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए दोनों प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले लेमिनेट बनाने के लिए बारीक बारीक पेपर की लेयर को पीवीसी रेजिन से चिपकाकर उसका बेस तैयार किया जाता है। उस बेस के ऊपर एक डेकोरेटिव और डिजाइन पेपर जिसको हम बोलते हैं वो लगा दिया जाता है। उसी डेकोरेटिव पेपर को हम पसंद करके, हम कलर पसंद करते हैं, पैटर्न पसंद करते हैं, उसी पैटर्न को देख के हम हमारी लेमिनेट को चूज करते हैं। और उसी तरह से विनियर की बात की जाए तो विनियर एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट होता है। नेचुरल विनियर की स्पेशल मैं बात कर रहा हूँ। होता क्या है दोस्तों, एक लकड़ी के कोर के ऊपर एक बारीक और कोर चिपका दी जाती है। जो बारीक कोर होती है वो लकड़ी के लट्ठे में से उसको घुमाकर बिल्कुल बारीक बारीक लेयर निकाली जाती है और उसी को एज ए डिजाइन पेपर कोर के ऊपर चिपका दिया जाता है। तो दोस्तों, लेमिनेट एक मैनमेड प्रोडक्ट हम कह सकते हैं और नेचुरल विनियर, जैसा कि नाम भी से भी लग रहा है, पूरी तरह एक नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट होने के कारण ये इको फ्रेंडली है, रिसाइकलेबल है और लेमिनेट मैनमेड प्रोडक्ट होने के कारण टॉक्सिक गैसेज इससे रिलीज होती रहती है, जिसको हम VOC बोलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोनों की स्टैंडर्ड साइज के बारे में बात किया जाए तो दोनों ही 8x4 के स्टैंडर्ड साइज में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। थिकनेस लेमिनेट की 0.67 mm से लेकर 1.2-1.3 mm तक की लेमिनेट आती है, जो कि फर्नीचर में काम में ली जाती है। विनियर जनरली 4 mm का विनियर फर्नीचर में काम में आता है। अब बात करते हैं हम कॉस्टिंग की। तो लेमिनेट जो शीट है, लगभग 8x4 की शीट 600 रुपये से स्टार्ट होकर 1200, 1500 और 2000 रुपये तक की आसानी से मार्केट में मिल जाती है। नेचुरल विनियर की कॉस्टिंग की बात की जाए तो ये लगभग 3500-4000 से स्टार्ट होकर 5000-6000 तक की मार्केट में अवेलेबल है। कॉस्टिंग के बाद में हम बात करते हैं दोनों ही प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों, लेमिनेट की अगर बात की जाए तो ये वाटरप्रूफ होता है, पानी से आसानी से ख़राब नहीं होता है। कई लेमिनेट हीट प्रूफ भी होते हैं, इसलिए इसको किचन में, लेबोरेटरीज में भी काम में लिया जाता है। स्क्रेच रेजिस्टेंस भी लेमिनेट का ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हार्ड पेपर इसके बेस में लगाया जाता है तो स्क्रेच इतनी आसानी से इस पर नहीं पड़ते हैं। यही तीनों पॉइंट अगर विनियर की बात की जाए तो लंबे समय तक अगर पानी के प्रभाव में विनियर रहेगा तो उसकी पॉलिश खराब हो जाएगी और धीरे धीरे विनियर भी गलने लग जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है। साथ ही साथ हीट से भी विनियर की पॉलिश और विनियर ज़्यादा जल्दी से, कंपेरेटिवली अगर हम लेमिनेट की बात करें तो लेमिनेट की तुलना में जो विनियर है वो हीट से ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। स्क्रेच टेंडेंसी भी विनियर की ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। अगर हम रूटीन मेंटेनेंस की बात करें तो लेमिनेट को मेंटेनेंस करने के लिए कोई स्पेशल आपको स्ट्रेटेजी नहीं रखनी है। गंदा हो गया तो ठीक है, पानी के कपड़े से साफ कर दिया, कोलिन से साफ कर दिया, या लेमिनेट क्लीनर करके कुछ प्रोडक्ट आते हैं उनसे भी हम साफ कर सकते हैं। विनियर के साथ ऐसा नहीं है। विनियर की मेंटेनेंस के लिए आपको साफ सफाई तो रखनी ही रखनी है, पर टाइम टाइम पे हम उसको मेंटेनेंस के लिए पॉलिश भी उसकी करानी पड़ेगी। और किसी भी कोलिन या किसी भी लेमी क्लीन से हम उसको क्लीन नहीं कर सकते हैं। विनियर को हमें प्रॉपर एक सॉफ्ट कपड़े से ही साफ करना पड़ेगा और उसकी पॉलिश को टाइम टू टाइम अपडेट रखना पड़ेगा। कहीं से अगर विनियर खराब हो जाता है, उसकी पॉलिश खराब हो जाती है, तो उसमें पर्टिकुलर पेच को रिपेयर किया जा सकता है, उस पर पॉलिश की जा सकती है, ताकि पूरा फर्नीचर हमारा ख़राब नहीं हो। पर दोस्तों, लेमिनेट के साथ थोड़ी सी एक लिमिटेशन है कि अगर उसका पेपर कहीं से ख़राब हो गया है या कहीं से टूट गया है तो पर्टिकुलर हिस्से को अगर हम रिपेयर करेंगे तो वो दिक्कत करेगा, क्योंकि एक तो सेम लेमिनेट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा क्या होगा दोस्तों, सेम नंबर का लेमिनेट हमने मंगा भी लिया तो पुराने लेमिनेट का कलर धीरे धीरे डल हो चुका होता है और नई लेमिनेट थोड़ा सा फास्ट कलर रहता है, तो कलर में भी अंतर आ जाता है, जॉइंट दिखेंगे।
तो क्या होता है जनरली अगर ऐसी स्थिति आती है तो पूरी लेमिनेट हटाकर दोबारा ही लेमिनेट पेस्ट की जाती है। कोस्टिंग और ड्यूरेबिलिटी के बाद अगर हम वैरायटी की बात करें तो लेमिनेट के अंदर एंडलेस वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो टेक्चर फिनिश हो, वुड फिनिश हो, स्टोन फिनिश हो, मार्बल फिनिश हो, डिजिटल फिनिश हो, या फिर कस्टमाइज फिनिश और कस्टमाइज पैटर्न भी लेमिनेट शीट के अंदर मार्केट में आ चुके हैं। बट अगर हम नेचुरल विनियर की बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको नाम से भी लग रहा है और प्रोसेस भी मैं बता चुका हूं कि ये लकड़ी के लट्ठों को छील कर तैयार किया जाता है, तो इसके अंदर इस तरह के मार्बल फिनिश या फिर स्टोन फिनिश, इस तरह के फिनिश नहीं होंगे, एक लिमिटेड पैटर्न रहेंगे। तो लिमिटेड पैटर्न विनियर के अंदर, मल्टीपल पैटर्न लेमिनेट के अंदर। पर ज्यादा पैटर्न होने का एक नुकसान भी है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आपने कैटलॉग मार्केट में लेमिनेट के देखे होंगे, जब भी आपने फर्नीचर कराया होगा या कर चल रहा होगा, तो हर कैटलॉग की लगभग 70% शीटें कॉमन होती है जो हर कैटलॉग में अवेलेबल होती है। कुछ 30% शीटें ही सबकी यूनिकनेस रहती है जो अपने अपने कैटलॉग में वो लोग मेंटेन करते हैं। पर दोस्तों विनियर की हर शीट अपने आप में यूनिक होती है, मैं नेचुरल विनियर की बात कर रहा हूँ। भगवान ने हम सब जीव जंतुओं को बनाया ऐसा ही है कि सबकी शक्ल अलग अलग होती है, सबकी फिजिक्स अलग अलग होती है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, वैसा ही पेड़ पौधों में भी है। हर पेड़ अलग अलग तरह का होता है और इवन पेड़ का ऊपर की छाल अलग होती है, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे पैटर्न अलग निकलते चले जाते हैं। तो अगर आपको यूनिकनेस, एकदम अलग हटके एस्थेटिक लुक चाहिए और अपने आप में प्रीमियम लुक चाहिए, तो विनियर से अच्छा ऑप्शन फर्नीचर के लिए कोई सा भी नहीं है। यूजेस की अगर बात की जाए तो जैसा कि हमने देखा, हीट रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, तीनों गुण लेमिनेट के अंदर अवेलेबल है, तो हर जगह फर्नीचर में हम इसको काम में ले सकते हैं। इवन बाथरूम में, किचन में, बच्चों के रूम में, सब जगह लेमिनेट शीट आसानी से काम में ली जा सकती है। विनियर एस्थेटिक लुक देता है, पर नेचुरल प्रोडक्ट होने के कारण इसके अंदर हीट, वाटर एंड स्क्रेच रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल हो रहे हैं या जहाँ स्क्रेच टेंडेंसी ज़्यादा है या वाटर टेंडेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप विनियर काम में मत लीजिए। बाथरूम, चिल्ड्रंस रूम, किचन, इस जगह विनियर प्लीज़ काम में मत लीजिए। इसको काम में लीजिए जहाँ पे आपको रिचनेस और एस्थेटिक लुक बढ़ाना है, जैसे कि आपके घर में या ऑफिस में कोई कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, वहाँ पे आप विनियर लगाइए। अपने ऑफिस में या फिर अपना मास्टर बेडरूम है तो वहाँ पे आप विनियर लगा सकते हैं। ड्राइंग रूम में आप विनियर लगा सकते हैं। कई जने वॉल को हाईलाइट करने के लिए उस पर पैनलिंग कराते हैं, कुछ डेकोरेटिव डिजाइन देते हैं, तो वहां पे अगर विनियर लगाएंगे तो वो आपके पूरे मकान के इंटीरियर का फोकल पॉइंट भी बन सकता है, इतना अच्छा लुक विनियर का आता है। तो जहां विनियर लगाना है विनियर लगाइए, जहां लेमिनेट लगाना है लेमिनेट लगाइए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको विनियर और लेमिनेट के यूजेज, उसकी कॉस्टिंग, लिमिटेशन, एडवांटेज सारी चीजें बताई। समझदारी इसी में है कि जब भी आप घर को रिनोवेट कर रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, तो दोनों ही प्रोडक्ट को मिक्स करते हुए सही जगह पे सही प्रोडक्ट लगाएंगे तो न केवल अपनी कॉस्टिंग इकोनॉमिक मतलब अप्रोप्रिएट आएगी, और साथ ही साथ उसका यूजेज प्रॉपर जगह करने से उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो कहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, किस तरह से लगाना है, कितना लगाना है, ये सब डिपेंड करता है एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइनिंग के थ्रू। हमारे पास भी ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस अवेलेबल है, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, चाहे आपकी किचन हो, चाहे आपका बेडरूम हो, हम आपके लिए उसको डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह की सर्विसेज देख के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारे प्यारे सजेशन भेजिए। ये आपके ही सजेशन है जो हम इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ आप हमारे आपके सजेशन भेजते रहिए। नमस्ते, वंदे मातरम।